जैन साथियों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाइट के बारे में कि हमें सुबह को दौड़ने के बाद क्या खाना चाहिए, कैसे क्या। तो ये सब बिल्कुल देसी डाइट भाई मैं लेता हूं और देसी डाइट के बारे में बताता हूं, क्योंकि तो सप्लीमेंट लोगे भाई तो बॉडी पर ये अभी तो असर दिखाएगा, लेकिन बाद में जब एक समय हो जाता है तो इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी ख़राब हो जाती है। अभी तेज़ रफ्तार से दौड़ लोगे लेकिन बाद में पैदल चलने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए देसी खाओ, देसी पियो और हिट रहो। तो ये आज आपको बताऊंगा मैं कि देसी क्या क्या चीज़ हम खाएंगे तो हमारा स्टेमिना स्पीड बढ़ेगा और हमारी बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। तो ये देख रहे हैं आप, ये कटोरी में मैंने मूंग और चने भिगो कर रखे थे। इसको एक दिन हो गया भिगोए हुए रखे हुए, परसों भिगो कर रखे थे, कल इसको मैंने सुखा कर रख दिया तो इसमें कल्ले निकल आए हैं। तो ये कल्ले जो होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये जो आप 5000 का प्रोटीन लोगे, 3000 का, 4000 का प्रोटीन लोगे, उससे कई ज़्यादा ताकतवर है ये चीज़। और उनका तो साइड इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर, इसका बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये चने और मूंग आपको एक दिन भिगो देना है, अगले दिन इनको सुखा कर किसी कपड़े में बांध कर रख देंगे आप, तो ऐसे कल्ले निकल आएंगे और इसको आप खा लीजिए सुबह को दौड़ने के बाद या जो भी करते हैं आप, जिम वम जो भी करते हैं उसके बाद। और ये अंजीर है, किसी भी आप दुकान पर ये भी मिल जाएगा, जहाँ पर बादाम वगैरह चीज़ें ये मिलती हैं, ड्राई फ्रूट्स वहाँ पर ही मिल जाएंगे। दो अंजीर, बाकी ये चने और मूंग, ठीक है। एक कटोरी में आपको किशमिश भिगो कर रख देना है, एक किशमिश है और इसमें अभी पानी पड़ा हुआ है, तो इस पानी को आपको पीना है। दौड़ने के बाद आप आएंगे, पानी को पी लिए और किशमिश को आपको खाना है। ये देख रहे हैं आप किशमिश और इसका पानी मैं अभी पी रहा हूँ। किशमिश से क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है और जो हमारा ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन ठीक होता है और ब्लड को साफ करता है और ये ब्लड बढ़ाने में भी मदद करता है। और ये अंजीर बहुत ताकतवर चीज़ है, स्टैमिना बहुत बढ़ता है इससे भाई। जो हमारी रनिंग स्पीड होती है, सांस फूलने की दिक्कत होती है, वो ये सब बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ये चने और मूंग तो आपको पता ही है, देसी प्रोटीन का बेस्ट सोर्स जो है वो ये चने और मूंग बहुत बेहतरीन है। तो ये आप डाइट में लो और आपको 10-15 दिन में आपका इसका जो रिजल्ट है खुद आपके सामने आ जाएगा। सबसे मेन बात जो है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब साइड इफ़ेक्ट नहीं होता किसी चीज़ का तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है वो हमारी बॉडी के लिए। बाकी अगर किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट आप किसी भी सप्लीमेंट को लोगे, इंजेक्शन लोगे या कोई भी मेडिसिन लोगे, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर एक समय के बाद दिखने लगेगा और आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए देसी चीज़ें खाओ और वर्कआउट करो पहन कर, तब आपका रनिंग जो है बनेगा। बाकी आप किसी भी सप्लीमेंट के चक्कर में ना पड़ें, वरना बॉडी आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। देसी रहो, दूध पियो, बादाम खाओ, चने खाओ, बाकी ये जो चीज़ें बताई ये खाओ, स्पीड आपका अपने आप बढ़ जाएगा। अब मेहनत करो तब आपका स्पीड बढ़ेगा। राम राम, जय हिंद।